हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। आप सोच रहे होंगे गाइस कि मैं ये काली मिट्टी क्यों खा रहा हूँ। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस काली मिट्टी पर ही है। तो आज हम गाइस इसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जैसा गाइस आपने देखा कि मैं काली मिट्टी खा रहा हूँ, असल में ये मैं काली मिट्टी खा नहीं रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है गाइस वो काली मिट्टी पर ही है। वैसे तो जनरली हम इस प्रकार के वीडियो नहीं बनाते हैं, हम ज़्यादातर पेड़ पौधे और नेचर पर ही वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, पर ये मिट्टी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है गाइस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए। गाइस, आजकल एक सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है और इसकी धूम मची हुई है। कई लोग स्लेट पेंसिल, ये मैंने जो दिखाई वो काली मिट्टी या ठिकरी वगैरह खा रहे हैं और उसे टेस्ट भी बोल रहे हैं, और साथ ही कुछ लोग है उसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए आज का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट बनने वाला है गाइस। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आप तक पूरी पूरी जानकारी पहुंचे ये भी ज़रूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप ज़रूरी मिस कर देंगे। वीडियो में बताया भी जा रहा है कि ये सब चीज़ें खाने के लिए कितनी खतरनाक और हानिकारक है, फिर भी लोग खाए जा रहे हैं, क्या पता क्यों खाए जा रहे हैं। तो उसका आज हम एक प्रयोग भी करेंगे, उसके दौरान आपको सब क्लियर हो जाएगा गाइस। और ये प्रयोग में गाइस कोई साइंस का बंदा भी नहीं होगा तो भी आसानी से समझ जाएगा। बहुत ही हमने घरेलू ही एक प्रयोग किया है और इजी प्रयोग है। लेकिन गाइस, ये प्रयोग करने से पहले मैं ये काली मिट्टी में मैंने एक प्लांट है वो ग्रो करने की कोशिश की थी, तो उसकी भी मैं पिक्चर आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा गाइस वो प्लांट जो हमने इस प्रकार की काली मिट्टी आती है उसमें ग्रो किया था। तो आप देख ही रहे हो कि ये प्लांट है वो पूरा काला हो गया है, इसकी ब्रांच है वो तो सूख गई है, तो ये ग्रो नहीं हो पाया है। और ये पानी में हमने ग्रो किया था, तो ये प्लांट है वो भी चल रहा है, शायद ये ग्रो भी हो जाए। लेकिन इस प्रकार की मिट्टी में तो फ्रेंड प्लांट भी ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि ये स्लेट पेंसिल है, ये काली मिट्टी है, ये ठिकरी है, इस प्रकार की जो चीज़ें है वो हम यदि खाने में प्रयोग करें गाइस तो हमारे शरीर में जाकर क्या क्या समस्या खड़ी कर पाते हैं वो आप मैं अभी पे एक प्रयोग भी दिखाने वाला हूँ। तो उस प्रयोग में गाइस आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस सभी चीज़ों को हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और एक बात बता दूँ गाइस, ये काली मिट्टी, स्लेट पेंसिल या ठिकरी वगैरह यदि खाया जाए तो हमें किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाँच से ज़्यादा ये सब चीज़ें खाई जाए गाइस तो स्टोन की बीमारी, शरीर में पेट के अंदरूनी भाग पर हाथ में प्रॉब्लम, कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या या कोई पेट में इन्फेक्शन भी लगना, ये सब आम बात है गाइस। तो गाइस, इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयोग भी किया है, वो प्रयोग भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमें वो प्रयोग करते हैं गाइस। ये प्रयोग करने के लिए हमने कुछ सामान है वो इकट्ठा कर लिया है, उसमें से कुछ चीज़ है उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। तो हमने इसके लिए एक पीएच लेवल जो पट्टी आती है लिटमस पेपर, उसका प्रयोग किया है। तो इसकी छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो ये एक नंबर से लेकर 14 नंबर तक आता है। उसमें से ये जो 7 नंबर है वो उसका मध्य भाग है, यानी कि ये जो 7 के नीचे यदि इसकी लिटमस पेपर में आएगा गाइस तो ये जो पानी है या मिट्टी है वो एसिडिक मानी जाएगी। यदि ये 7 के ऊपर जाता है गाइस तो ये मिट्टी है वो अल्कलाइन या क्षारीय मिट्टी मानी गई है, या पानी कोई भी चीज़ हो। तो इस लिटमस पेपर से हमें पता चल जाएगा कि ये जो पानी है और ये जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है। और कुछ चीज़ें हमने ली है, उनमें से जो हम चाय में यूज़ करते हैं उस खांड का भी प्रयोग हमने किया है, और ये काली मिट्टी है गाइस। उसके बाद ये एक नींबू लिया है, और ये आप देख रहे हो गाइस ये है एसिड। तो इन सब चीज़ों में से गाइस ये दोनों को हम पानी में पहले मिला देते हैं, और इस दोनों को हमें पानी में नहीं मिलाना है, इसको तो डायरेक्ट ही हम ऐसे ही चेक करेंगे। इसमें जो हमने वाटर का यूज़ किया है गाइस वो हमारा जो नॉर्मल वाटर है घरेलू, उसका ही प्रयोग किया है। उसके बाद ये खांड है गाइस वो भी हम पानी में पिघला देंगे।
तो गाइस सभी सामान है वो अब हमारे पास तैयार हो चुका है। खांड थी वो इसमें मिक्स कर दी है, नींबू का रस निकाल दिया है और आप देख सकते हो गाइस कि हमने एसिड भी एक प्लास्टिक की बोतल में ले लिया है और ये जो काली मिट्टी थी जो खाने में यूज़ करते हैं कई लोग उसको भी हमने इसमें पिघलाने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए आप कि ये पानी में भी अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं होती है तो हमारे शरीर में जाकर किस प्रकार की समस्या खड़ी होती होगी गाइस। तो इसे हम छान लेते हैं इसके पानी को पहले। अब हमारा जो लिटमस पेपर था पीएच लेवल का उससे ही हम चेक करेंगे कि ये पानी और मिट्टी किस प्रकार का है। अब हम एसिड में चेक करेंगे गाइस, तो देखिए तुरंत ही कलर है वो चेंज हो गया है, तो ये खाने लायक चीज़ नहीं है, यानी कि बहुत ही एसिडिक है ये चीज़ है वो। उसके बाद हम नींबू में प्रयोग करेंगे गाइस, तो इसका कलर है वो तकरीबन 3 के करीब आता है, 3 या 4 के करीब, तो ये भी हम एसिटिक ही मानेंगे क्योंकि ये 7 से कम है इसलिए। उसके बाद हमने जो खांड मिक्स की थी उस पानी में हम प्रयोग करेंगे, इसका रिजल्ट आने में तकरीबन गैस 30 या 45 सेकंड के करीब आता है, तकरीबन 1 मिनट के करीब इसका अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। ये तकरीबन 7 के करीब अभी दिखाई दे रहा है गाइस। उसके बाद गाइस हम जो काली मिट्टी में लिया था उस पर प्रयोग करेंगे, तो देखिए इसका नंबर है वो तकरीबन 9 के करीब आ रहा है क्योंकि इसका लिटमस पेपर में रिजल्ट परफेक्ट गाइस तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर ही आता है। तो गाइस चारों के चारों पट्टी है वो आपको सामने अब दिखाई दे रही है, पहला है वो एसिड वाली है, दूसरी है वो हमारी नींबू वाली है, तीसरी है वो गाइस हमने जो खांड मिक्स की थी पानी में उसकी है, और चौथी है वो आप देख रहे हो गाइस कि जो मिट्टी हमने काली मिट्टी ली थी उसका मिक्सरण तैयार किया था उसकी है। तो इसका लेवल है वो तकरीबन 9 के करीब हमें दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग लेवल से यानी कि ये थोड़ी क्षारीय हमें हमारे प्रयोग में साबित हुई है। अब आप ही बताइए गाइस, काली मिट्टी, स्लेट पेंसिल या कोई ठिकरी, इन सब चीज़ों में से हम किसे खाने की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं? तो किसी को भी नहीं। आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी बढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति है वो काली मिट्टी या स्लेट पेंसिल खाने लगता है। ये एक दिमागी बीमारी है, ये स्ट्रेस के दौरान भी ऐसा हो सकता है गाइस। हो सके तो गाइस खुद को थोड़ा रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने देखा होगा गाइस के कई लोग हैं वो स्ट्रेस के दौरान कुछ नशीली चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि सिगरेट है या कोई और वगैरह वगैरह इस प्रकार की चीज़ें आती है, तो ये सब चीज़ें हैं वो स्ट्रेस के दौरान भी हो सकती है। सेम ये चीज़ है वो भी एक नशीली चीज़ की तरह ही है, पर खुद को थोड़ा रिलैक्स रखोगे गाइस तो ये चीज़ भी आसानी से छूटने वाली चीज़ है। ये सब चीज़ें हैं गाइस वो हमारे शरीर के अंदर जाकर कुछ ना कुछ समस्या जरूरी खड़ा कर देती है, वो चाहे किडनी पर हो या अंदरूनी आंत पर हो, शरीर में जाकर लंबे समय में कुछ ना कुछ समस्या जरूर ही खड़ी कर देती है। पेट में पेन होना या पथरी होना, स्टोन होना, ये सब चीज़ें गाइस हो सकती है इससे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो गाइस तो अपने दोस्तों में ज़रूर ही सेंड कीजिए, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस और आप हमारे चैनल में नए हो तो ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हाँ आज की ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।